अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स। सो संडे का दिन है आज, और संडे को ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन मेरी सारी गाड़ियां जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, या जुम्मे को हो जाती हैं या संडे को, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। और छुट्टी वाले दिन मैं एक दफ़ा सारी गाड़ियां स्टार्ट करता हूं, क्योंकि कुछ गाड़ियां जो हैं वो एक एक हफ़्ता बंद रहती हैं या पाँच पाँच छः छः दिन बंद रहती हैं। तो संडे का मैंने एक ऐसा दिन रखा हुआ है कि मैं कार्स को स्टार्ट करता हूँ। सो ये अपना हुंडा खड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये CHR, ये न्यू एंट्री है, इसके बारे में मैं ज़रा बाद में आपको वीडियोज़ वगैरह बना के दूँगा। ये अभी कुछ दिन पहले ही आई है। और ये जो है वो फॉर्चूनर है। ये अभी हम इसको बमाला पे, जो अभी हमने लास्ट कुछ दिन पहले ट्रिप किया है उसकी वजह से ये बहुत शदीद जो है वो गंदी हो चुकी है, इसको आज वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद वापस ला के इसको यहाँ पे पार्क करके पैक कर देंगे, क्योंकि ये फिर निकलेगी इलेक्शन वाले दिन में। सो अभी जो वॉशिंग वगैरह करनी है वो हम लोग जाके करेंगे अपने प्लॉट पर, क्योंकि मैं गाड़ी को ख़ुद वॉश करने का ज़्यादा मैं इसके हक़ में होता हूँ कि गाड़ी हमेशा ख़ुद वॉश करनी चाहिए, किसी से वॉश नहीं करवानी चाहिए। सो साजिद, शहरियार, मैं, हम तीन बंदे होंगे, इंशाल्लाह गाड़ी को वॉश करेंगे। गाड़ी का जो वॉश का अमल है वो जारी है। यहाँ पे हमारे पास मोटर है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पे एक कार वॉश का सिस्टम बनाएंगे और यहीं पे गाड़ी अपनी वॉश हुआ करेगी और पार्किंग भी यहीं पे बनेगी। सो अभी साजिद जो है वो लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। गाड़ी इतनी मट्टी मट्टी थी कि हमें इसको दूसरी दफ़ा जो है वो वॉश करना पड़ा है। साजिद जो है वो कर रहा है, शहरियार जो है वो हमें हेल्प आउट कर रहा है, पानी का प्रेशर वगैरह लगा रहा है। इसका काम में मज़ा बहुत आता है, इससे पहले मैं भी लगा रहा था प्रेशर। तो ये अभी जो है वो टायरों के और अंदर से वॉश का अमल शुरू हो गया है। इंशाल्लाह गाड़ी को पूरा चमकाएंगे। और मौसम की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो डिस्टर्ब लग रही है। अल्लाह करे कि बारिश ना हो मेरे घर पहुंचने तक। दो तीन घंटे लगेंगे घर पहुंचते पहुंचते, गाड़ी वॉश करा के इंशाल्लाह, तो फिर घर जाके इसको प्रॉपर पैक कर देंगे और फिर जिस दिन ज़रूरत होगी इस गाड़ी को उस दिन निकालेंगे। गाड़ी के अंदर वो देखें, वो ये कैमरा है, इसको भी हमने सेटअप करना है, और ताकि जो है ना गाड़ी के अंदर कैमरा और लाइट वगैरह का सारा सिस्टम जो है वो भी हम सेटअप करेंगे। अब जो है ना हम लोग टायर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आज बिल्कुल टाइट करके साफ़ करनी है। सो अब टायरों का मरहला है, टायर को अंदर से बाहर से रिम्स वगैरह सब ये काम हो रहा है। इसके बाद प्रॉपर जो है वो हमारे पास वो पार्क व्हील्स की सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं, वो पड़ी हैं सारी प्रोडक्ट्स। इसी कॉटन में आई थी, इसी कॉटन में हमने अभी तक रखी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि धूप निकल गई है, धूप निकली है, तो अभी जब हम इसके ऊपर PPF शाइनर लगाएंगे तो गाड़ी क्या शाइन करेगी, ओए होए ज़बरदस्त लग्जरी लुक देगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है ब्रो, ठीक हो गया जी ब्रो। तो ये अभी टायरों के ऊपर पानी मारना है, हमने टायर वॉश हो रहे हैं, साजिद ने ये दो टायर कर दिए हैं, ठीक है। डबल डबल आज कपड़ा, हाँ हाँ पानी लगा दे, लेकिन एक मिनट रुकना, बस उसने तीसरा खींच दिया, वो चौथा भी कर दे, एक ही दफ़ा मार देंगे फिर। अब तो ये जो है साजिद ये वाला टायर कर रहा है, इसके बाद इसकी बारी है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ कहीं कहीं क्लीनिंग नहीं है वहाँ वहाँ पे हम पानी का प्रेशर मारेंगे और गाड़ी को जो है वो हम साफ़ करेंगे। मिट्टी की जो है ना वो इंतहा हुई हुई है, क्योंकि ये गाड़ी जब यूज़ होती है तो फिर ये अच्छी खासी यूज़ होती है, बड़ी गाड़ी है, इसको तब निकालते हैं जब जो है ना वो अच्छे खासे बंदे जाने। उस दिन भी पीछे वाली सीटें भी तीनों फिलअप थीं, ये वाली तीन भी फिलअप थीं, तीन और दो पीछे, दो थे, दो और तीन, पाँच, छः और सात, सात बंदे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से गाड़ी में इंतहा किस्म का जो है ना वो गंद जमा हो गया। बस जो है ना वो ब्रश नहीं था, हमने इसको सर्फ से साफ़ किया है लेकिन टायर साफ़ होने पे नहीं आ रहा। सो वाटरलेस कार वॉश से इसको साफ़ करेंगे और ये फिर अपनी शक्ल निकालेगा। साजिद थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ, तुमने कम लगाया है, पूरा रिमो पे इसको बिगा दो, इससे पूरा हर जगह पर मार के एक साइड से शुरू करो, एक साइड से शुरू करके प्रॉपर सारा, हाँ पहले टायर पूरा करो, टायर सली साइड, फिर अंदरूने साइड करो, फिर इसके ऊपर कपड़ा मारना, फिर तुम्हें मज़ा आएगा। हम आपको भी फ्रेंड्स चेक कराते हैं कि ये वाटरलेस कार वॉश का शशका क्या है। थोड़ा सा कपड़ा मारो ज़रा, हमारे फ्रेंड्स को पता चले। चेक कर रहे हैं, ये पूरे टायर चमक उठेंगे, बिल्कुल ऐसी चमक देंगे बंदा परेशान हो जाएगा। सो वाटरलेस कार वॉश कहीं और तो यूज़ कर नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि मिट्टी वाली गाड़ी पर हम वाटरलेस कार वॉश मेरा नहीं समझ आती कि मैं किस तरह यूज़ करूँ, तो मैं इसको प्रॉपर जो है ना वो टायरों वगैरह के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है इंटीरियर ड्रेसिंग की, और प्रॉपर जो है वो हम इंटीरियर प्रोटेक्टेंट ड्रेसिंग के साथ जो है वो पूरी गाड़ी की इंटीरियर ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अभी तकरीबन इसको 30 मिनट्स और लगेंगे, सारी जो है वो इसकी इंटीरियर ड्रेसिंग होगी, प्रॉपर इंटीरियर के अंदर पूरा हम लोग इसको वो करेंगे, ठीक है। हर चीज़ इसको इंटीरियर प्रोटेक्टेंट के साथ स्प्रे आउट करके जो है वो हर चीज़ साफ़ करेंगे। बिल्कुल फाइनलाइज हो गई है, बिल्कुल ज़बरदस्त क्लीन कर दिया हमने, पूरी मट्टी शट्टी निकाल ली है, पुलिस लाइट भी लगा दी है, कैमरा भी गाड़ी के अंदर फिट हो गया है, ठीक है। वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, और बड़ी हैवी लुक दे रही है गाड़ी, ज़बरदस्त मामलात हो गए हैं जी। तो दोस्तों आज हमने गाड़ी सारी वॉश की, क्लीन की, कैमरा सेटअप किया, इसके अंदर अभी मेमोरी कार्ड डालना है, वो फ़ियाज़ जो है वो ऑफिस में ही लेके आ रहा है। सो ये जो है वो इसका पुलिस लाइट एक लगाई है और ये सारा सिस्टम है। फ्रेंड्स घर आ चुके हैं, गाड़ी पूरी वॉश हो चुकी है,
वो लाइट भी लगा दी है पुलिस लाइट का, ये तो इलीगल है सो इसको मैं उतार दूंगा, ये तो मैं सिर्फ अपने अंदर अंदर यूज़ किया है, कहीं बाहर गए तो इसको डेफिनेटली फॉर श्योर उतार के जाएंगे बिकॉज इट्स इलीगल, सो इलीगल काम नहीं करना। बट द कैमरा इज़ लीगल, क्योंकि कैमरा की बहुत ज़रूरत है, कोई कुछ भी करता है तो आपके पास एक रिकॉर्डिंग प्रूफ मौजूद होता है, सो आप उस पर वो चीज़ को डिफेंड भी कर सकते हैं, दैट इफ़ यू हैव द रिकॉर्डिंग वीडियो प्रूफ। सो ये गाड़ी है जी, इसको कवर करेंगे, इसका कवर जो है वो CHR में पड़ा हुआ है, CHR का एक डिफरेंट ब्लॉग बनाऊँगा, कैसे ली, क्यों ली, ग्रैंडे चली गई, CHR आ गई, इस तरह से कुछ रिप्लेसमेंट हुई है इस गाड़ी की, एंड वन ऑफ द बेस्ट कार, मतलब मज़े की गाड़ी है। उसके कुछ कट्टे कुट्टे हैं, दो तीन दिन से उसके काम हो रहे हैं, ख्वारी हो रही है उस पर, पैसे भी अच्छे खासे लग रहे हैं, बट उसका एक अलग से व्लॉग निकालूंगा। सो ये जो है वो आज फॉर्चूनर की सारी सफाइयाँ हुई हैं, फिर भी कुछ जगहों से रह गई है छत, कुछ जगहों से रह गई है प्लाजा पे, जब मैं ऊपर गया हूँ तो मैंने देखा, बट ओवरऑल जितनी हम चमका सकते थे शेरियार ने, साजिद ने बहुत मेहनत की है, मैं तो सिर्फ गाड़ी चला के लेके गया हूँ, दे गाइज आर डूइंग लाइक दे डिड अ रियली ग्रेट जॉब, बहुत उन्होंने इस पर वर्क मेहनत किया। और इसका नंबर मैं इसलिए दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये गाड़ी सेल आउट नहीं करनी है, अनलेस के कोई कुछ और बहुत बड़ा मसला ना हो जाए, ज़रूरत ना हो किसी चीज़ की, अदरवाइज़ इस गाड़ी को मैं जब से मैंने लिया है मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल होने वाले हैं। सो ये सीन्स हैं जी, ये चेक करें इसको, हाय हाय हाय।